वित्त संबंधी स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रिपोर्ट जारी की है। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो जो लोग अपने देश या लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रह सकते, वो किसी न किसी रूप से क्राइम करते रहेंगे। हाल ही में साइबर क्राइम जो इंटरनेट से रिलेटेड है, कमिटी ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर रिपोर्ट जारी की है। देखते हैं रिपोर्ट में क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या रिकमेंडेशन है। देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के प्रभुत्व वाले युग में साइबर सिक्योरिटीज का महत्व अभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं रहा। एक प्रमुख स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस पर पार्लियामेंट्री ने हाल ही में साइबर क्राइम्स की बढ़ते थ्रेट्स और साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स को बढ़ावा और मजबूत करने की इंपेरेटिव नीड पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डालती है, जो इकोनॉमी डिस्टर्ब करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, डाटा ब्रांचेस और आइडेंटिटी की चोरी से लेकर रैनसमवेयर अटैक तक साइबर थ्रेट्स का एक दायरा बहुत बड़ा है और रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। अब रैनसमवेयर एक तरीके का मालवेयर है, जो अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो वो आपकी सभी फाइल्स को, पूरे डेटा को लॉक कर सकता है, यानी कि इंक्रिप्ट कर सकता है। और इंक्रिप्ट करने के बाद में जो हैकर है वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा, और वो आपको ये कहेगा कि अगर आप उसको पैसा दे देते हैं तो वो आपको बदले में एक की दे देगा, जिसके जरिए आप अपने पूरे सिस्टम को वापस पहले जैसा कर सकते हैं। वहीं रिपोर्ट की प्रमुख बातों में से एक है कि साइबर सिक्योरिटी लापरवाही और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के जिम्मेदार ठहराने के लिए कड़े नियम का आह्वान किया गया है। जैसे जैसे साइबर क्राइम्स अधिक इस क्षेत्र में आत्मसंतुष्टि के फेयर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, कमेटी का सजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से सेंसिटिव डाटा से निपटने वाले ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल थ्रेट से आगे रहने के लिए रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट और एम्प्लॉय ट्रेनिंग चालू करें। वहीं साइबर क्राइम्स की ग्लोबल नेचर के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। वहीं रिपोर्ट बॉर्डर के पार साइबर क्राइम्स पर नजर रखने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट और ज्वाइंट एफर्ट्स की आवश्यकता पर एक प्रकाश डालती है। साइबर क्राइम्स के ग्लोबल नेचर के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। वहीं रिपोर्ट बॉर्डर के पार साइबर क्राइम्स पर नजर रखने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट और ज्वाइंट एफर्ट्स की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त कमेटी साइबर अटैकर्स और डिफेंडर्स के बीच चल रही आर्म्स रेस में आगे रहने के लिए साइबर सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की रिकमेंडेशन करती है। वहीं साइबर क्राइम्स की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए स्किल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की कमी को भी दूर करना शामिल है। वहीं रिपोर्ट इस क्षेत्र में एजुकेशन और ट्रेनिंग को इनकरेज करने की पहल पर सुझाव देती है, जिसका लक्ष्य साइबर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट की डिमांड और सप्लाई के बीच गैप को कवर करना है। देखिए, रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटीज को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की भूमिका को स्वीकार करती है। ये टेक्नोलॉजीज वास्ट अमाउंट में रियल टाइम डाटा का विश्लेषण कर सकती हैं, वहीं एनोमैलीज और पोटेंशियल थ्रेट्स को बढ़ने से पहले आइडेंटिफाई कर सकती हैं। वहीं हाउएवर कमिटी सर्विलेंस और इंट्रूजन में एथिकल कंसिडरेशन और इन टेक्नोलॉजीज के बीच पोटेंशियल यूज पर भी जोर देती है। वहीं फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी मेजर को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता के प्रति एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है। यह व्यापक रणनीतियों की तत्कालिकता पर प्रकाश डालता है, जो रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट और एजुकेशन और कोलैबोरेशन को जोड़ती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन को डिजिटलाइज करते हैं, हमें हमारे डिजिटल असेट्स और इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। रिपोर्ट की रिकमेंडेशन यदि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट की जाती है, तो इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए एक सुनिश्चित और अधिक लचीला डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने की पोटेंशियल है। AI सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बढ़ता है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें।